नमस्कार दोस्तों, कृष्णायस्मी आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी पीटी की परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे, राइट। और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बात करेंगे कि अगर कोई एकदम न्यू कमर स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करता है तो उसे कहाँ से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग जो है इसकी तैयारी आज के दौर में न्यू कमर स्टूडेंट तो कर ही रहे हैं, कई ऐसे गृहिणियाँ जो हाउसवाइफ हैं और वो बीपीएससी की तैयारी करके क्वालिफाई भी की हैं। इस बार का जो 64वीं का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में कई ऐसी हाउसवाइफ हैं जो अपने घर में घर के काम काज को करते हुए और परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं। तो सभी के मन में एक प्रश्न आता है कि अगर हम बीपीएससी पीटी की तैयारी करें, जो कि अब 67वीं पीटी का नोटिफिकेशन संभवतः जुलाई अगस्त तक आने वाला है, तो आप पे उसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए, बीपीएससी जो पीटी है, पीटी परीक्षा में बीपीएससी एक यूनिक के कमीशन है जो पीटी परीक्षा में 150 क्वेश्चन इसके अंतर्गत जनरल स्टडीज का आता है, केवल जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का नेचर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, राइट, जिसको हिंदी में बहु वैकल्पिक के परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के अंतर्गत आपको 150 में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है ये आपको करंट अफेयर से आते हैं। तो एक तो आप करंट अफेयर की चर्चा हम करेंगे, राइट, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे, अगर 20 क्वेश्चन को हम छांट देते हैं तो हमारे पास 130 क्वेश्चन बचता है। ये 130 क्वेश्चन का जब आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें बहुत बेसिक और हाल के वर्षों में कुछ एडवांस क्वेश्चन भी होता है। तो बेसिक से एडवांस लेवल का जो ये क्वेश्चन है, इसके जो इम्पॉर्टेंट हेड हैं जिसकी तैयारी आपको करनी है, तो पहला जो है हिस्ट्री। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको कि हिस्ट्री जब बिहार की तैयारी करेंगे तो एक तो आप इंडिया के इतिहास को तैयार करेंगे, इसमें इंडियन हिस्ट्री की तैयारी आप करेंगे और साथ ही साथ आप हिस्ट्री ऑफ बिहार की भी तैयारी करेंगे। हिस्ट्री ऑफ बिहार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे कई बार जो 130 में बेसिक के बात कर रहा हूँ कि 130 क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट से आते हैं, तो कई बार हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, कभी कभी 20 क्वेश्चन रहते हैं। और इसकी तैयारी जब आप करने जाते हैं हिस्ट्री की तैयारी, तो पहला जो मैंने कहा कि इंडियन हिस्ट्री की आपको तैयारी करनी है और साथ ही साथ स्पेसिफिक आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार भी करनी है। ऐसा नहीं है कि केवल हिस्ट्री ऑफ बिहार से ही क्वेश्चन आएगा, आपको इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएगा और हिस्ट्री ऑफ बिहार से, यानी कि बिहार के इतिहास को भी फोकस करना है। एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि स्टूडेंट जो है जब हिस्ट्री ऑफ बिहार की बात करते हैं कि बिहार के इतिहास को कहाँ से पढ़ें, तो इसमें बहुत परफेक्ट बुक आपको अवेलेबल नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम पढ़ें, इंडिया के इतिहास को पढ़ें, तो कई बार अगर आप इंडिया के इतिहास के अंतर्गत आप देखते हैं कि इसके 3 सेक्शन है जो कि पीटी में पूछता है, एंशियंट इंडिया, राइट, दूसरा मिडाइवल इंडिया
और तीसरा मॉडर्न इंडिया, ये तीन सेक्शन है। अब जब आप एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, ध्यान ये रखना है कि एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो एंशिएंट इंडिया में बहुत लंबे समय तक भारतीय इतिहास का केंद्र बिहार रहा है, राइट। जब से आप पे बिहार में आप पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव का अध्ययन करना शुरू करते हैं और बाद में जो है मौर्य एम्पायर का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद गुप्ता एम्पायर का डेवलपमेंट होता है, तो बहुत लंबे समय तक क्या होता है कि बिहार का इतिहास ही इंडिया का इतिहास रहता है। तो यहाँ तो एंशिएंट इंडिया में, जैसे एंशिएंट बिहार आपको पढ़ना है तो जब भी एंशिएंट इंडिया आप पढ़ें आप एंशिएंट बिहार पर जरूर फोकस करके रखें कि प्राचीन बिहार, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि प्राचीन बिहार का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। आज भी अगर कोई बिहार की बात करता है तो बिहार के लोग अतीत की बात करते हैं कि अतीत में बिहार एक गौरवशाली स्थान रखता था भारतीय इतिहास के अंतर्गत। तो आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। फिर जब आप मिडाइवल इंडिया की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी आपको मिडाइवल बिहार, राइट, यानी कि मध्यकालीन बिहार, तो मध्यकालीन जो बिहार है इस पर स्पेसिफिक आपको स्टडी मटेरियल थोड़ी सी कम मिलती है। लेकिन अगर आप मिडाइवल इंडिया की तैयारी अच्छे तरीके से करते हैं और उसी सेक्शन के अंतर्गत उन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं जिनका संबंध बिहार से है, तो आपको किसी प्रकार की इसमें कठिनाई नहीं होती है। तीसरा, जो मॉडर्न इंडिया जो है, इस मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत हमें मॉडर्न बिहार भी पढ़ते हैं, ध्यान ही रखना है, मॉडर्न बिहार, राइट, आधुनिक बिहार पढ़ेंगे। तो मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत हम मॉडर्न इंडिया प्लस फ्रीडम मूवमेंट भी पढ़ेंगे, फ्रीडम मूवमेंट, राइट। अब देखिए एक चीज ध्यान ये रखना है कि इतिहास के अंतर्गत जो सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट के सामने आती है कि स्टूडेंट को कुछ फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, फैक्ट्स आपको रिमेम्बर करने पड़ेंगे, राइट। और ये कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके लिए जटिल समस्या होती है कि फैक्ट्स को कैसे कलेक्ट करें। तो अगर आप इतिहास सेक्शन की तैयारी करते हैं जिसमें आपको मैं कह रहा हूं कि 20 से लेकर 30 क्वेश्चन इस सेक्शन में बनता है, तो थोड़ी सी हम लोग इसको समझने का प्रयास करें कि आप इतिहास से की जो सेक्शन है उसकी तैयारी कैसे करेंगे। अब इसके संदर्भ में एक दो चीज़ ध्यान रखना है कि आप इतिहास से आपका जुड़ाव कितना है। अगर आप पूरी तरह से इतिहास छोड़ चुके हैं, इतिहास के किसी सेक्शन को आप रिमेम्बर नहीं कर पा रहे हैं, तो इतिहास की तैयारी के अंतर्गत आप एक तो एनसीईआरटी की जो बुक है ये 6th class से 12th class तक आपको इस बुक का अध्ययन करना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि बिहार सरकार की जो टेक्स्ट बुक चलते हैं, बिहार के स्कूलों में टेक्स्ट बुक चलते हैं जो हिंदी में, हिंदी माध्यम में उपलब्ध होते हैं, उस टेक्स्ट बुक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब हम इतिहास के इन सेक्शन को पढ़ेंगे तो थोड़ी सी मैं इस पर विशेष से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ कि आपको क्या क्या करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि आपको पढ़नी है एंशिएंट इंडिया, राइट, एंशिएंट इंडिया आपको पढ़नी है, राइट। और इस एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत हम तीन चीज़ की बात कर लें यहाँ,
पहला फर्स्ट प्री हिस्टोरिक पीरियड, राइट। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, बहुत बेसिक मैं बात कर रहा हूं। और तीसरा हिस्टोरिकल पीरियड। अब ये ध्यान रखना है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या है, कि ये अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, राइट। सबसे पहला चीज कि प्री हिस्ट्री का मतलब अर्ली स्टेज ऑफ कल्चर डेवलपमेंट। लेकिन स्पेसिफिक अगर प्री हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब है कि ऐसा कालखंड जिसके लिए नो रिटन रिकॉर्ड, कोई हमारे पास रिटन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इतिहास का एक ऐसा कालखंड जिसके अध्ययन के लिए हमारे पास किसी भी तरह का रिटन रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो जब जिस काल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, आपको जानकारी होगी कि इतिहास में हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास सोर्सेज की ज़रूरत है, सोर्सेज हमें होनी चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, दिमाग में इस बात को रखना है, जैसे बहुत सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि जब रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो उस काल के इतिहास का अध्ययन हम कैसे करें। यानी कि अगर प्री हिस्ट्री की बात करें तो इस प्री हिस्ट्री के लिए हमारे पास सोर्सेस क्या है। तो सोर्सेस के रूप में हमारे पास क्या है, एक तो स्टोन टूल्स, ध्यान रखना है कि ये स्टोन टूल्स हमें है। दूसरा हमारे पास फॉसिल्स रिकॉर्ड भी, हम इसका इस्तेमाल करते हैं इसके अध्ययन के लिए। तीसरा हम यहाँ पर केव पेंटिंग का इस्तेमाल भी करते हैं। और चौथा जो है हम पॉटरी भी हमें मिलती है। ये पॉटरी ध्यान ही रखना है कि मेसोलिथिक और प्लस नियोलिथिक, आगे हम लोग बात करेंगे अलग से। तो मेसोलिथिक जो पीरियड है, इस मेसोलिथिक पीरियड में हैंडमेड पॉटरी और यहां पर व्हीलमेड पॉटरी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, जैसे पूछा जाएगा कि व्हीलमेड पॉटरी जो है उसका सबसे पहले हमारे प्राक ऐतिहासिक जो काल है उसमें कहां पर इजाद होता है, व्हीलमेड पॉटरी कब इन्वेंशन होता है। तो ये हमारा सोर्सेज है। इसके अलावा जो सोर्सेज है उसमें आप सेटलमेंट पैटर्न का भी इस्तेमाल करते हैं, सेटलमेंट पैटर्न भी हम यहाँ पर देखते हैं। और थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो उस पीरियड की इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का स्टडी भी आज के टाइम में हुआ है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और जैसे सिंपल ए बी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाएगा कि इस पीरियड में फायर का इन्वेंशन कब हुआ, है ना, फायर इन्वेंशन यानी कि आग का आविष्कार कब हुआ। और चूंकि आग का जब आविष्कार होता है तो आग के आविष्कार ने मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, इसलिए इस पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। आमतौर पर एक कन्फ्यूजन लोगों को होता है, कई जगह कुछ गलत थे, मतलब इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध है कई जगह की आग का आविष्कार नियोलिथिक पीरियड में हुआ, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आग का आविष्कार ध्यान नहीं रखना है कि जब फॉसिल्स की हम बात करते हैं तो होमो इरेक्टस एक फॉसिल्स है जिसके साथ आग का आविष्कार जुड़ा हुआ है, राइट। और होमो इरेक्टस से जो है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का है, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल का
तो वहाँ से आपको आग का आविष्कार होता है। अब इसमें देखो ध्यान क्या रखना है कि जब आप प्राक ऐतिहासिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे बिहार के इतिहास के संदर्भ में, तो एक तो कि प्राक ऐतिहासिक जो संस्कृति है इस पूरे संस्कृति की जानकारी जो है हमें एक्सकेवेशन एंड एक्सप्लोरेशन के आधार पर इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट साइट हैं जिन साइट को जिससे को आपको ध्यान में रखना है, और सबसे बेहतर तरीका है कि उस इम्पॉर्टेंट साइट का आप मैप बना लीजिए और उसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर लीजिए कि यहाँ से ये चीज़ मिला है, और उसकी अकॉर्डिंग जब आप तैयारी करेंगे तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास आराम से रहेगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, राइट। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब देखिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा कालखंड है विच हैज रिटन रिकॉर्ड। ध्यान ही रखना है, एक बार बीपीएससी ने पूछा भी ऑब्जेक्टिव में कि आद ऐतिहासिक संस्कृति किसको कहते हैं, और उसमें उसने कई ऑप्शन दिए हुए था, तो आपको बेसिक एकदम क्लियर होगा तो जाकर के आप चीज़ों को बहुत आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। तो पहला चीज़ क्या है कि इसके लिए रिटन रिकॉर्ड है। प्री हिस्ट्री के लिए हमने क्या कहा कि प्री हिस्ट्री के लिए रिटन रिकॉर्ड नहीं है सीधा सा। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के लिए क्या है कि रिटन रिकॉर्ड है, लेकिन ये नॉट डिसाइफर, राइट। मतलब कि इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ध्यान ही रखना कि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है लेकिन हम उसको पढ़ने में अक्षम हैं, आज भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक चीज तो ध्यान ही रखना है कि यहां आकर के रिटन रिकॉर्ड तो मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान ही रखना है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है यहां पर मेटल का यूज नहीं है, नो यूज ऑफ मेटल, यहां पर किसी भी तरह से मेटल का यूज नहीं है, धातु का उपयोग नहीं होता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में धातु का उपयोग शुरू होता है, और इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो धातु हमारे पास है कॉपर प्लस ब्रॉन्ज, है ना, तांबा और कांस्य धातु का उपयोग होता है, बट नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन, राइट। यहां आयरन का उपयोग नहीं होता है। तो जब हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ते हैं उसके जो फीचर है बेसिक फीचर उसकी जानकारी अगर हमको होती है, और फिर अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में जो इंडस सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन जिसको बाद में हम लोग डिटेल देखेंगे, इस इंडस सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन के रूप में माना जाता है। तो फर्स्ट राउंड में आपको ध्यान ही रखना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है इसका अध्ययन मुख्यतः आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर आधारित है। यहाँ केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में भी हमें मुख्य रूप से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है इसी पर डिपेंड करना पड़ता है, और हमारे पास से लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्टोरिकल पीरियड की जो खासियत है इसमें है कि रिटन
record which is decipher, यानी कि यहां लेखन कला का प्रमाण जिसे पढ़ा जा सका है, राइट ये बेसिक चीज लेखन कला का हमारे पास प्रमाण है, हम उसे पढ़ सके। अब देखो इसको लेकर के एक कंफ्यूजन भी होता है कि भारतीय इतिहास में जब इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ें तो हिस्टोरिकल पीरियड को कहाँ से माने कि कहाँ से हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत होती है। तो अगर हमें इस बात की जानकारी हो कि भारत में लेखन कला का स्पष्ट साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो भारत में लेखन कला का जो स्पष्ट साक्ष्य है, एकदम क्लियर कट जो एविडेंस है, ये मौर्य काल का है। क्लियर कट एविडेंस मीन्स कि जिस एविडेंस को स्थापित किया जा सका है, यह एविडेंस जो है हमें मिलता है मौर्य काल से। और मौर्य काल में भी हमें दो जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है, एक है महास्थान का अभिलेख और दूसरा सहगौरा का अभिलेख। तो सहगौरा जो है आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास है और महास्थान पश्चिम बंगाल में है, उसको माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड का है होगा। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो लेखन कला है मौर्य पीरियड का, जो लेखन कला है जहाँ लिखने का प्रमाण हमें मिलता है, तो यहाँ पर जो लेखन कला है वो एक तरह से डेवलप फॉर्म में है। जैसे अशोक के अभिलेख में आप देखोगे तो क ऐसे लिखा जाता है, ये क है ब्रह्मी में क, अशोक के अभिलेख में ऐसे लिखा जाता है। और फिर जब आप देखोगे कि मौर्योत्तर काल हो या गुप्ता काल हो या गुप्तोत्तर काल हो, तो गुप्तोत्तर काल जब आप देखोगे, लेट गुप्ता पीरियड में आप देखते हैं, तो ये जो क ऐसे था ये आकर के फिर ऐसे हो जाता है, राइट, इतने लंबे पीरियड में। तो एक के इतिहासकारों का अनुमान है कि मौर्य काल के पहले भी लेखन कला का विकास हो रहा था, और जिसके साक्ष्य हमारे पास से बहुत अवेलेबल इसलिए नहीं है कि संभवतः वो ऐसी चीज़ों पर लिखा जाता हो जो समाप्त हो जाया करता हो, जो नष्ट हो जाया करता। और इसलिए इतिहासकारों ने ये बातें की है कि भारत में जो लेखन कला है, इस लेखन कला का स्पष्ट प्रमाण जिसे पढ़ा जा सके, संभवतः इसका विकास 6th century BC में हो गया था, और यहाँ से भारत में हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। अब अगर आप पे 6th century BC से हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत मानते हैं, तो इसके बीच में एक आता है इंडियन हिस्ट्री में, वो आता है वैदिक पीरियड, राइट, वैदिक पीरियड। अब कई छात्रों को ये कन्फ्यूजन होता है कि वेद लिखित थे। अब यहाँ ध्यान ही रखना, ये बहुत बड़ा मतलब इतिहास के विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन है कि वैदिक पीरियड में लेखन कला का प्रमाण मिलता है। नहीं, वैदिक पीरियड में लेखन कला का प्रमाण नहीं मिलता है। इस वैदिक पीरियड की अगर हम टाइम पीरियड का निर्धारण करते हैं तो 1500 से 600 BC, और इस वैदिक पीरियड को दो भाग में हम बांटते हैं, एक तो ऋग वैदिक जिसकी पीरियड को 1500 से 1000 BC के रूप में हम देखते हैं, और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड जिसके पीरियड को 1000 से 600 BC, राइट, है ना। तो वेद की रचना वैदिक पीरियड में हुई थी, रचना में कह रहा हूं, लेकिन लिखना और रचना करना दोनों ही अलग अलग चीज है। कई लोग रचना को ही लिखना समझ लेते हैं। दरअसल जो वेद है, ये वेद जो है श्रुति परंपरा में है,
श्रुति परंपरा का मतलब यहाँ पर क्या है कि वेद की रचना वैदिक ऋषियों ने की, लेकिन वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच मौखिक रूप में उसका ट्रांसफर होता है। यानी एक पीढ़ी के लोग उसको याद रखते हैं, फिर उससे दूसरी पीढ़ी के लोग उसको सुनते हैं और फिर अगले पीढ़ी में उसको ट्रांसफर करते हैं। रियल में वेदों का लेखन कार्य इस पीरियड में नहीं हुआ है, ध्यान रखना। लिखने का काम गुप्ता पीरियड में जाकर के उनको व्यवस्थित तरीके से लिखा गया, जबकि हमारे पास लेखन की जो कला है वो काफ़ी विकसित हो चुकी थी। और इस प्रकार ये तीन इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ों को पहले आप समझने का प्रयास करेंगे। जब ये तीन इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ को जब आप समझ जाते हैं तो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे बुद्ध का काल या महावीर का काल भी कहते हैं, और ये काल बिहार के इतिहास में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप ये तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान ये रखना है कि अगर पूरे एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया की अंतर्गत अगर आप तैयारी करते हैं तो पहले सोर्सेज को तो तैयार कर ही लेंगे कि फिर सोर्सेज से भी क्वेश्चन आती है, लेकिन तैयारी का जो फॉर्मेट है, इतिहास कैसे समझेंगे, कैसे इतिहास पर हमारी पकड़ होगी, तो पहला चीज़ कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसी भी पीरियड का, तो पहले उस पीरियड की ज्योग्राफी को आप देखिए। ये मैं आपको एक साइंटिफिक आइडिया बता रहा हूँ कि जैसे अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया है उसकी एक मैप को आप देखिए, ज्योग्राफी को देखिए। उसी तरह से अगर आप प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आप उसकी ज्योग्राफी को देखिए कि किन किन इलाकों में यह संस्कृति डेवलप हुई थी, और ये ज्योग्राफी फिर मैं कह रहा हूँ हिस्टोरिकल पीरियड आप देखिए, जिसमें महाजनपद का काल है, तो महाजनपद में जब 16 महाजनपदों का विकास होता है और उसमें आप पाएंगे कि 16 महाजनपदों में मगध क्यों सबसे ज़्यादा विकसित होता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि ज्योग्राफिकल जो चेंजेस हो रहा है या ज्योग्राफी का जो रोल है इतिहास में, इसको समझना है, और ये एक माइंड में आपको शेप देगा, एक आकृति देगा कि इस पीरियड में यहाँ इस तरह की एक्टिविटी हुई है, और उस एक्टिविटी को समझने में हम बड़ी आसानी पूर्वक हमारे दिमाग में वो बातें जाती है। इसलिए आप कम से कम 15-20 मैप, जो हिस्टोरिकल मैप है, उस हिस्टोरिकल मैप को देख करके हर पीरियड का, जो कि एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें भी जगह जगह पर दिया हुआ है, उसके कलेक्शन को देखने का प्रयास कीजिए। और फिर ध्यान ही रखिएगा कि बिहार के जो साइट हैं, जो इतिहास में बिहार के जो एरियाज हैं जो बड़ा इम्पॉर्टेंट हैं, उसको कलेक्ट करना है, उस पर विशेष ध्यान देना है। हम आगे की वीडियो में बात करेंगे पार्ट वाइज। अब ज्योग्राफी को पहले आप समझेंगे। देखो, ज्योग्राफी से किसी भी सोसाइटी का इकोनॉमी जुड़ा हुआ होता है, अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है समाज की। तो आप ये भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो क्षेत्र है, रीजन जो है, जब आप उसके ज्योग्राफी को, जैसे मान लो मगध की ज्योग्राफी को आप पढ़ते हैं, तो मगध की जो ज्योग्राफी है, मगध का जो भूगोल है, उस भूगोल के अंतर्गत जो मगध बेल्ट है उसकी मिट्टी कैसी है। और अगर हम बात करें कि आप वैदिक पीरियड जब आप पढ़ेंगे, हम लोग डिटेल्स जब टॉपिक पर आएंगे तो बात करेंगे, तो वैदिक आर्यन जो है ऋग्वैदिक पीरियड में, ये सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे, 7 नदियों से घिरा हुआ प्रदेश, जिसमें पंजाब की 5 नदियां और सिंधु और सरस्वती नदी। तो ये 7 नदियों से घिरा हुआ जो सप्त सिंधु प्रदेश है, ये मुख्य रूप से पंजाब का इलाका है, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों में है। उत्तर वैदिक काल में आर्य का जो मुख्य संकेंद्रण होता है, मुख्य एरिया जिसमें रहते हैं, उसको गंगा जमुना द्वाब कहते हैं। तो एक चीज, जैसे हम मैं गंगा जमुना द्वाब कह रहा हूँ,
तो स्टूडेंट को समझने का प्रयास करना चाहिए मैप से कि गंगा जमुना द्वाब कौन सा है, राइट। ये मध्य गंगा घाटी जिसमें उनका डोमिनेंस स्थापित होता है और उत्तर वैदिक पीरियड के लेट फेज में वो बिहार तक, मिथिला तक पहुंच जाते हैं। तो जब आप बिहार के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो बिहार में इतिहास और बिहार की ज्योग्राफी दोनों जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गंगा नदी के उत्तर का इलाका और गंगा नदी के दक्षिण का इलाका, जिसको मगध इलाका आप बोल रहे हैं, दोनों की ज्योग्राफी में काफ़ी अंतर है। और चूंकि गंगा नदी का दक्षिण का जो इलाका था, जो मगध का इलाका था, वहाँ पर केवाल मिट्टी मिलती थी, उस केवाल मिट्टी में खेती जो है बिना लोहे के बने औजार की नहीं हो सकती थी। छठी शताब्दी से पूर्व जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारत में पहली बार लौह धातु का उपयोग कृषि और अन्य शिल्प उद्योगों में किया जाता है और वहीं से मगध जो है एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी मगध में होती है वो डेवलप होती है। एक और चीज़ ध्यान ही रखिए कि ज्योग्राफी कैसे आपको इकोनॉमिक के बारे में आपको कंसेप्ट देगा। ध्यान ये रखना है कि जब पश्चिम की ओर हम जाते हैं, पंजाब की ओर अगर हम बढ़ें, तो पंजाब में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन होता है। और जब पूरब की ओर हम जाएंगे, जैसे जैसे पूरब की ओर जाएंगे, चावल का उत्पादन डोमिनेंट करता है। अब ध्यान ये रखना है कि जो बिहार का मगध जो इलाका है, जो गंगा नदी के उत्तर का जो इलाका था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर चावल का उत्पादन होना शुरू होता है और धान की रुपाई तकनीक का विकास होता है, प्लांटेशन तकनीक का विकास होता है और जिस रुपाई में महिलाओं की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो चूंकि चावल का जो उत्पादन होता है वो गेहूं के उत्पादन से ज़्यादा होता है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो एरिया समृद्ध हो जाता है। और इसका एक वजह क्या होता है कि मगध जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं आपको केवल यहाँ पर एक निर्देश दे रहा हूँ कि आप पे ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी को रिलेट करेंगे और इकोनॉमी को रिलेट करते हुए फिर आप इसके पॉलिटिकल सिस्टम, सोसाइटी और कल्चर, राइट, मीन्स के क्यों रिलीजन, जैसे अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म का विकास बिहार में ही क्यों हुआ, जैन धर्म का विकास बिहार में ही क्यों हुआ और बिहार में भी गंगा के उत्तरी इलाके में क्यों हुआ, क्यों बौद्ध एवं जैन धर्मों का विकास उस इलाके में हुआ। तो इसी तरह से आप आगे की ओर जब बढ़ेंगे, यानी कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों के अंतर्गत ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है और सोशल सिस्टम है और साथ ही साथ कल्चर जिसके अंतर्गत रिलीजन होगा, फिर डांस होगा, म्यूजिक होगा, ड्रामा होगा, आर्ट होगा, इन सारे चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके फिर आप उसको आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद मेडाइवल पीरियड में भी आप इसी तरह से करेंगे और फिर जब मॉडर्न इंडिया की बात आएगी तो मॉडर्न इंडिया में आप देखेंगे कि फिर दो पार्ट है। एक तो कि मॉडर्न इंडिया में सामान्य जो विकास इतिहास की हो रही है, इसका मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था का विकास हो, अर्थव्यवस्था का विकास हो और फिर सामाजिक की व्यवस्था का विकास हो और सांस्कृतिक विकास हो। और इसका एक और पार्ट है फ्रीडम मूवमेंट, जो कि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे आपको फैक्ट याद करने पड़ते हैं, तो आप उन फैक्ट को याद करेंगे और जिसकी चर्चा आगे में कंटिन्यूस हम लोग करेंगे दूसरे जो वीडियोस आएंगे इस पे उसमें, क्योंकि हम लोग अभी एक मेन अप्रोच हम लोग लेके चल रहे हैं कि आप कैसे इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, अगर बिहार के बीपीएससी की तैयारी अगर आप करते हैं, उसमें दूसरा सेक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफी, राइट, अगर इतिहास के बाद बात करें तो ज्योग्राफी।
अब देखो ज्योग्राफी कई बार क्या होता है कि कई लोगों को कॉम्प्लेक्स भी लगता है, और ये दोनों ही, मैंने बताया कि इतिहास भी फैक्चुअल है और आपकी ज्योग्राफी भी फैक्चुअल है, लेकिन ज्योग्राफी कई लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, साइंटिफिक भी है। इसमें ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी में हमें एक तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है ये भी पढ़ना है हमें, और ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है। और इसके अलावा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ना है, और फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार भी पढ़ना है। राइट, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन एक मामले में बड़ा आसान भी है क्योंकि बाकी चीज़ों की तैयारी जीएस की जो आप करते हैं उसमें एनसीईआरटी के अलावा अन्य चीज़ों पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, लेकिन ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी की बुक है ये एनसीईआरटी आप 6 से 12 क्लास तक अगर इसकी तैयारी आप पे बहुत अच्छे तरीके से कर लिया आपने तो फिर आपको ज्योग्राफी समझ में आने लगेगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में ये रखिएगा कि ज्योग्राफी जब हम पढ़ने जाएं तो हमारा अप्रोच क्या हो, तो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें, है ना, सबसे पहले ये आप फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़िएगा। अब इसके बारे में एक चीज़ ध्यान ये रख लीजिएगा कि जब 6 से 12 क्लास की ज्योग्राफी का अध्ययन हम करने जा रहे हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि आप देखोगे 6 में अगर फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ पार्ट हैं तो फिर 8 में मिल जाएंगे, फिर 10th में मिल जाएंगे, फिर 11 में मिल जाएंगे, इस तरह से अलग अलग क्लासेस में फिजिकल ज्योग्राफी को स्थान दिया गया है। यहाँ पर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित जितनी एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी को एक बार आप पढ़िएगा, है ना, यानी मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग क्लास में जब फिजिकल ज्योग्राफी दिया हुआ है तो उसको आप एक जगह मिला के पढ़िएगा, और जब आप एक जगह उसको मिला के पढ़िएगा और उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि ज्योग्राफी बिना एटलस के नहीं पढ़ाई हो सकती है, उसके लिए एक अच्छी एटलस आपको चाहिए, और फिजिकल पढ़ते वक्त ध्यान ही रखना है कि जो भौतिक भूभाग होते हैं जो किसी भी देश का, राज्य का या एरिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के रिसोर्सेस, वहाँ की बसावट, वहाँ के लोगों की बिहेवियर सबका कोई ना कोई संकेत देता है, क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया है कि ह्यूमन ने जो उसके ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त हैं उसी नेचुरल रिसोर्सेज से ह्यूमन जो है कुछ चीज़ बनाने का प्रयास किया है, प्रोडक्शन किया है। और इसलिए ध्यान ये रखना है कि फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ आप इकोनॉमिक के जो आस्पेक्ट है, ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से इकोनॉमिक आस्पेक्ट है, इसको भी आप यहाँ पर तैयार करने का प्रयास करेंगे। ध्यान ये रखना कि वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है बहुत ही वास्ट है, लेकिन जो बिहार का आप इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आपको एकदम से आसानी पूर्वक ध्यान ही रखना है कि कुछ चीज़ें को कलेक्शन करना है, जैसे वर्ल्ड के जो प्रमुख जो देश हैं उनको ध्यान में रखनी है, उनकी राजधानियों को ध्यान में रखनी है, फिर वर्ल्ड में जो माउंटेंस हैं, माउंटेंस का एक सीरीज जो है एक बार में देखना है, मैप में आप माउंटेंस को देखिए एक बार में आप देखिए, रिवर को देखिए एक बार में देखिए, सागर को देखिए एक बार में देखिए, महासागर को देखिए एक बार में देखिए, झील को देखिए एक बार में देखिए, मैदान को देखिए एक बार में, एक उसका कलेक्शन बना लीजिए। और साथ ही साथ आजकल एक फिनोमेना हो गया है कि जो दो देशों के बीच का डिस्प्यूटेड एरियाज है
उस डिस्प्यूटेड एरिया की ज्योग्राफी से कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड के जो ज्योग्राफिक जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो बात हमने किया, तो वर्ल्ड में जो मुख्य मुख्य इंडस्ट्री डेवलप किए हैं उन इंडस्ट्री के लोकेशन को भी ध्यान में रखना है। और मतलब इंडस्ट्री जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उसकी लोकेशन को ध्यान में रख के 15-20 पॉइंट का एक सीरीज, एक के कलेक्शन आप बना लीजिए। और कलेक्शन बना करके उसको अगर आप पे कलेक्शन को बार बार रिपीट करके पढ़ते हैं, तो यहाँ से आपको आसानी पूर्वक क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी जहाँ तक थोड़ा डिटेल्स में आप पढ़ेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, चूँकि भारत में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे भारत का इतिहास पढ़ें या भारत की इकोनॉमी पढ़ें, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ें, भारतीय संस्कृति पढ़ें, आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए। तो आपके दिमाग में भारत की जो फिजिकल मैप होनी चाहिए वो आपको आनी चाहिए, यानी कि भारत में जो भारत की जियो मॉर्फोलॉजी है, या भारत में माउंटेन्स हैं, भारत में रिवर हैं, भारत में झील हैं, भारत में जो सागर भारत को छूती है, महासागर भारत को छूती है, इन सब के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी क्षेत्र की कोई यूनिक चीज़ है उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और तब हम बिहार पे आते हैं, ध्यान ही रखना है कि जब आप बिहार पढ़ने जाएंगे तो आप झारखंड को अलग नहीं करेंगे, हालांकि झारखंड बिहार से अलग हो गया है, लेकिन आप झारखंड को अलग नहीं करेंगे। और इस हिसाब से अगर आप भी इन सारे चीज़ों को एनसीईआरटी से आप नोट्स बना लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बेसिक जो आपके पास 130 क्वेश्चन जिसकी चर्चा हमने की कि बेसिक से आता है, उसको आप अवश्य कंप्लीट कर लेंगे। और इस बेसिक में ही, जैसे 130 क्वेश्चन में ही मैं बात कर रहा हूँ कि आप 90 क्वेश्चन करने की स्थिति में हो जाएं। ज्योग्राफी के बाद जो है आपका पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे आसान पार्ट है जो है जीएस का, पीटी के दृष्टिकोण से, राइट, पीटी के दृष्टिकोण से सबसे आसान पार्ट है। और इसके लिए आप एनसीईआरटी किताब तो पढ़ ही लेंगे, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी किताब पढ़ लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान ही रखना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जो होते हैं उस टर्म की समझ आपको होनी चाहिए। आजकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, राइट, जो अनुच्छेद है, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद एक में क्या है, है ना, कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो केवल ये नहीं याद करना है कि भारत राज्यों का संघ है, बल्कि हमें उसकी मीनिंग को भी याद करना है। इसी तरह से आप पे जैसे पांच आर्टिकल पांच जो है से आपको 12 तक, राइट, आपको सिटीजनशिप के बारे में है, तो सिटीजनशिप पे को आपको ध्यान से पढ़ना है। और फिर सॉरी 5 से 11 तक सिटीजनशिप है, और 12 से फिर फंडामेंटल राइट का सेक्शन आता है जो कि 35 तक फंडामेंटल राइट जाता है, और फिर 36 से फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है, और फिर आप जाएंगे तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में, भारत के राज्यपाल के बारे में, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, जो मेन मेन हेड है, यानी कम से कम 50 से 100 आर्टिकल तो आपको याद होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जो करेंट पॉलिटिकल सिस्टम में जो चीज़ें बहुत हाईलाइट होती है उसको रिमेम्बर आपको करना है। और ये सेक्शन आमतौर पर अधिकांश लोग इसको इजी रूप में समझते हैं और इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कर लेते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव में ये सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके बाद जो आपका सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी, राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के साथ साथ हमें इकोनॉमी ऑफ बिहार भी पढ़नी है, इकोनॉमी ऑफ बिहार,
अब देखो इंडियन इकोनॉमी में एक तो एनसीईआरटी जो पुस्तक है इसका रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट, क्योंकि इसमें हमें एनसीईआरटी मिलती है नाइन्थ क्लास से मिलती है, नाइन्थ क्लास में है, टेंथ में, एलेवन ट्वेल्थ में है, लेकिन वो एक बेसिक आइडिया देता है। बेसिक आइडिया के बाद जो है इसके अध्ययन के लिए कोई एक बेसिक बुक आप ले सकते हैं जिसमें इंडियन इकोनॉमी की सही समझ जो है हमें डेवलप हो। देखो जब हम समान अध्ययन की तैयारी करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है, एक कंटिन्यूस तैयारी का ये प्रोसेस है, तो एक बेसिक बुक हमें उसमें पढ़नी ही पड़ेगी जो फंडामेंटल जानकारी हमको के साथ साथ करंट अफेयर की जानकारी देती है। बाज़ार में बहुत सारे बुक्स हैं, उसमें से कोई एक बुक जो है लेकर आप पढ़ सकते हैं। जैसे दत्त्यम सुंदरम वगैरह बहुत बड़ी बुक है, बहुत मोटी बुक है, तो एक जो है रमेश सिंह की बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी पतली है जिसमें महत्वपूर्ण कंटेंट दिया हुआ है। और इकोनॉमी के अंतर्गत जो दिक्कत होती है, बहुत तरह के टर्म होते हैं, उस टर्म को समझने का प्रयास करना है और इकोनॉमी को करंट से रिलेट करके आपको देखना है। इकोनॉमी के बाद जब आप बात करते हैं तो जनरल साइंस, देखो जनरल साइंस बीपीएससी के अंतर्गत ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। आज के डेट में कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित भी चीज़ें पूछी जाती है। जनरल साइंस की तैयारी के लिए फिर आप क्या करें कि सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक क्या जो साइंस की पुस्तक है उसका नोट्स बनाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इसमें जनरल साइंस के लिए आपको है लूसेंट का साइंस आता है, है ना, लूसेंट का सामान्य विज्ञान, वो बहुत ही बेहतर किताब है। और उसको अगर आप कवर करते हैं तो फिर जनरल साइंस में आपको कोई खास समस्याएं नहीं होगी। अब इसके बाद जो है अगर हम बात करें करेंट अफेयर, अब देखो करेंट अफेयर के लिए आम तौर पर स्टूडेंट जो है इससे करेंट अफेयर जो कि 20 से 25 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसकी रणनीति ज़्यादातर स्टूडेंट गलत बनाते हैं। करंट अफेयर की तैयारी आपको डे टू डे करनी पड़ेगी, राइट, इन डे टू डे आप इसकी तैयारी पेपर से कर सकते हैं और फिर मंथली पत्रिका से या फिर न्यूज़, राइट, ऑल इंडिया का जो न्यूज़ है वो जीएस में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है, बीबीसी को भी आप देख सकते हैं, और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये बेसिक के बातें मैंने उन छात्रों के लिए किया है जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। आप अपनी तैयारी शुरू करें और फिर अगली जो क्लास होगी, अगली जो वीडियो होगी उसमें हमें फिर एक एक सेक्शन की बात करेंगे कि किस तरह से हम उसको डिटेल में ले जा करके करेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर।